हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में इंडियन स्ट्रीट फूड में नंबर वन पे आने वाली रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और खुशबू सूंघते साथ ही तो कदम उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो आलू टिक्की चाट है। और ये ऐसी चाट है ना जो हर किसी को पसंद होती है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे पसंद नहीं आती होगी। और दिल्ली में तो हर नुक्कड़ पे, हर ठेले पे ये चाट मिलती ही मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये स्टफ्ड चाट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो इसमें स्टफिंग भी हम भरेंगे। तो इसके लिए ना थोड़ी सी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, पर बहुत पहले से नहीं, मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले ही, समझ लीजिए आधा घंटे पहले ही इसकी तैयारी स्टार्ट की है। और तैयारी क्या स्टार्ट की है, कुछ चीजें भिगानी पड़ती हैं। तो ये देखिए, ये चना दाल है, तो लगभग आधा कटोरी चना दाल मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। तो अगर आपके पास में टाइम है तो 3-4 घंटे दे दीजिए, टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भिगो सकते हैं, तो भी बहुत अच्छे से चाट बन जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप रात में भिगो के छोड़ सकते हैं, अगर पूरी प्लानिंग के साथ में बना रहे हैं तो। मैंने इसको भिगाने के बाद में ना, अभी आपको दिखाने के पहले इसको दो बार पानी से दोबारा से वॉश कर लिया है। तो पानी इसका साफ है, पानी मैंने वाला फेंक दिया था। और इसको हम कुकर में डाल देंगे। तो ये ना चना दाल की स्टफिंग की जाती है आलू टिक्की के अंदर, और इसको ना हम बॉईल करेंगे। पर इसको बॉईल थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये बिल्कुल मैशी सी नहीं होनी चाहिए, थोड़े से इसके दाने ना खड़े खड़े से रहने चाहिए। तो मैं पानी थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, मुझे कम लग रहा है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा विसल देने की जरूरत नहीं, सीटियां इसमें बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक या दो सीटी में ही ये दाल गली सी हो जाएगी, सिर्फ हल्का सा गलाना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि अंदर तक इसमें फ्लेवर्स भर जाए। और मैं इसमें ना थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूं, पर ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, बस बिल्कुल समझ लीजिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। और बस फटाफट से ढक्कन लगाएंगे और इसको स्टीम करेंगे। तो ये मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और बस इसको अब हम एक या दो सीटी मध्यम आंच पे ले लीजिएगा ना, मीडियम फ्लेम पे, बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। और चलिए अब तब तक, जब तक ये दाल होती है तब तक हम दो बहुत बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं इस चाट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो ये इमली भी देखिए, मैंने आधा घंटे पहले ही आपको बताया कि तैयारी शुरू की है, तो ये इमली मैंने आधा घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। पर इमली को ना हमेशा अच्छे से वॉश करके ही भिगोइएगा, और आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। बस इसको इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसका पल्प पूरा का पूरा निकल जाए। और अब जिस बर्तन में हमको ये सॉस रेडी करना है इमली का, उसको लेंगे और उसी में एक स्ट्रेनर ये छन्ने को रख देंगे। इमली का पल्प मैंने पूरा अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से इसको छान लेंगे। अब मेरे हाथ एकदम क्लीन है, मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से ही इसको कंफर्टेबल होती हूँ। अगर आप किसी स्पैचुला वगैरह से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा इमली का रस इसमें निकाल लेंगे। तो ये इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है और चलिए फटाफट से अब इसको पका लेते हैं। तो कुकर में 2 सीटी हो चुकी थी, इसको रखेंगे दूसरे बर्नर में ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हम चढ़ा देंगे ये इमली का पल्प और बस इसको हमको पकाना है। ये खट्टी मीठी चटनी में तैयार कर रही हूँ इमली की, और अभी ही इसमें मैं ये एक कटोरी गुड़ डाल दे रही हूँ। तो ये मिठास की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो खांड का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गुड़ का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इस इमली की चटनी में। और मैंने ना गुड़ को कट नहीं किया है क्योंकि बहुत फटाफट से डिजोल्व हो जाएगा, गुड़ पिघल जाता है इसमें गर्म में आते साथ ही, और बहुत बड़े टुकड़े नहीं थे। और बस इसको अब हम दोनों चीजों को पकाते चले जाएंगे और जब ये बन जाएगा तब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने ये थोड़े से काजू, और इनको ना मैं बारीक बारीक कट कर लेने वाली हूँ, मतलब बारीक बारीक मतलब रफली कट कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं, पर क्या होता है कि चॉपर में ना बहुत बारीक हो जाता है कई बार, तो मेरे को ना इसके थोड़े से चंक्स चाहिए, उस हिसाब से मैं इसको कट कर लूंगी। तो ये काजू सारे मैंने कट कर लिए हैं, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके के पीसेस होने चाहिए। और साथ में लेंगे थोड़ी सी किशमिश, किशमिश को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है पहले, और इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं जो हमें
चाट बनाने में चाहिए। तो यहाँ पे ये इमली की चटनी लगभग पक चुकी है और इसमें ना मैंने थोड़ा सा दो डलिए गुड़ और डाला था, तो गुड़ आप अपने या मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच या एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है जिससे कि बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देने वाली हूँ और बस सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। ये बहुत बढ़िया खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और इस चटनी को ना आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं लगभग लगभग एक साल, डेढ़ साल, दो साल, मतलब ये एक्चुअली खराब ही नहीं होती। आप इसको जब तक पूरी खत्म नहीं होगी ना तब तक आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती है। और इसमें ना बहुत अच्छे सा लुक देने के लिए और टेस्ट और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच काजू की टुकड़ी जो अभी हमने करके रखी थी और साथ ही साथ में आधा चम्मच ये किशमिश। तो इसके कारण ना इसका लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है और हेल्दी भी हो जाती है ये चटनी। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये चटनी हम इसमें डाल देंगे और इस चटनी को स्टोर करके रख सकते हैं। एक्चुअली स्टोर करके रखना है तो आप थोड़ा सा इसको और पका लीजिए, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए, पर ये चटनी मैं एक आध महीने के अंदर ही खत्म करने वाली हूँ इसलिए मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है। और वैसे ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो अब टिक्की के लिए आलू ले लेंगे। आलू यहाँ पर मैंने ये बॉईल करके रख दिए हैं और इसको छील भी लिया है। और जब इसको टिक्की बनाते हैं ना तो आलू थोड़े पहले के उबले हुए होना चाहिए, थोड़े से ठंडे हो जाएं, उन्हीं आलू को लीजिएगा। और जो आलू लेना वो चिप्सोना आलू ले जिसमें कि लस थोड़ा सा कम होता है, तो टिक्की बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और मोटे ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और अब इसमें नमक स्वादानुसार ऐड कर देने वाली हूँ और साथ ही साथ में कुछ और चीजें जैसे कि दो हरी मिर्च बारीक कट करके और साथ में खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ती और लगभग आधा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है और आधा कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आधा कप ये समझ लीजिए 5 से 6 चम्मच बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। पर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ना मैं एकदम ऐसा सच नहीं बता सकती क्योंकि अगर आलूओं में लस ज्यादा है आपके तो कॉर्नफ्लोर ज्यादा लगेगा और आलू बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, चिप्सोना वाले हैं जिसमें लस कम होता है तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर कम लगेगा। और मैं काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड करती हूँ, वो भूल गई थी तो वो मैंने आधा चम्मच ऐड कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से आटा गूंथ लिया है मैंने इसका, बिल्कुल अगर लस कम होगा ना तो बहुत बढ़िया डो बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने तो कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया उसके बाद में, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। और बस इसको एक साइड में रखेंगे, एक तैयारी हो गई। तब तक यहाँ पर कुकर की पूरी सीटियां हो चुकी थी और ये देखिए दाल बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है पर बिल्कुल मैशी से नहीं हुई है, बिल्कुल इसी तरीके की दाल चाहिए। अब इसमें से पानी हम निकाल लेंगे और इसमें से अच्छे से पानी निकालने के लिए 5 मिनट के लिए मैं इसको रख देने वाली हूँ। और मैं आपको मैश करके दिखा रही हूँ प्रेस करके कि दाल बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब पानी पूरा निकल चुका है, इसको एक बोल में डालेंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने काजू और किशमिश कट करके रखे थे वो डाल देंगे। बहुत अच्छी लगती है ये स्टफिंग। अब कुछ मसाले, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, साथ में आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है बहुत अच्छे कलर के लिए, और इसको हम डाल देंगे और बस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है चना दाल की। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं पर बॉइल्ड है इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया है। और चलिए अब टिक्की बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एक पोर्शन हम डो का लेते जाएंगे जो आलू का हमने डो बनाया है और इसको इस तरीके से पहले फ्लैट करेंगे, चपटा करेंगे, दबा दबा के हल्का सा कटोरी का शेप देंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच या 1.5 चम्मच तक फिलिंग डाल देंगे। तो ये फिलिंग ना बिल्कुल भी नहीं निकलती है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से आपको जितना पसंद है ना वो आप डाल सकते हैं। और देखिए इस फिलिंग में आप पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं ना वो चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत आसानी से सील हो जाता है, जैसे हम आलू के पराठे में आटे में आलू की स्टफिंग करते हैं इसमें आलू में चना दाल की स्टफिंग कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से सील हो जाता है और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तलने पे स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकलती है। तो एक टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से
दूसरी टिक्की भी बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले फ्लैट किया है और अब इसके किनारे ना थोड़ा सा उठा लेंगे तो भरना और आसान हो जाता है। तो बिल्कुल कटोरी का शेप दे दिया मैंने इसमें, और इसमें भी फिलिंग रख देंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद चना दाल को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और चारों तरफ से हम आटे को या आलू के आटे को उठाते चले जाएंगे। बिल्कुल आलू आलू का पराठा या कोई भी स्टफ्ड पराठा जैसे भरा जाता है उसी तरीके से भरेंगे। और अगर कहीं लगे कि मसाला निकल रहा है तो थोड़ा सा आलू निकाल के डो में से ऊपर से लगा दीजिए। बहुत आसानी से ये तो एक सार हो जाता है। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से दूसरी टिक्की भी बनकर तैयार हुई है। बहुत आसान है गाइस, घर पे बहुत बढ़िया स्ट्रीट स्टाइल हम ये चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल चार टिक्की तैयार की है। और ये स्टफ टिक्की है ना तो थोड़ा सा बड़ी होती है। अब एक फ्लैट सा मैंने पैन लिया है, इसमें ऑयल ले लिया था। ऑयल को जब अच्छा गर्म कर लेंगे तब इसमें सारी की सारी टिक्कियों को डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसको डालें तो ऑयल को एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो वो टिक्कियां वहां पे तल रही है, तब तक यहाँ पर मैं हरी चटनी तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं दोनों चटनियां बनाने वाली थी पर बना नहीं पाई हरी चटनी, तो पहले लाल चटनी ही बनाई थी, अब हरी चटनी बनाते हैं। तो खूब सारी धनिया पत्ती, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा लेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर काला नमक लिया है 1/2 चम्मच, और ये भुजिया सेब की जो गाठिया होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी। बस ये हमारी बहुत शानदार सी हरी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इतने बीच में एक तरफ से यहाँ पे ये टिक्कियां सिक चुकी थी तो मैंने इसको पलट दिया है, बहुत केयरफुली पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ से कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब ये टिक्कियां ने ये अभी इस तरीके से भी खाने के लिए तैयार है, पर इसको हम ना और बढ़िया ट्रीटमेंट देंगे शानदार वाला। तो तब तक यहाँ पर फिर हरी चटनी मैंने पीस ली थी, और ये देखिए बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी की बनकर तैयार हुई है। और मैं आपको टिक्की पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन सिकी है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो दोनों तरफ से जब ये सिक चुकी है तो मैं इसको ऑयल को छटाते हुए बाहर निकाल लूंगी। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये टिक्कियां अभी इस तरीके से भी खाई जा सकती हैं, काफी क्रिस्पी हो चुकी हैं ये, पर इनको ना हम डबल फ्राई करेंगे जिससे कि ये और गजब की क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत टेस्टी हो जाएंगी। और ये दूसरा बैच भी मैंने जब तक बना के रख लिया था टिक्कियों का, इनको भी मैंने डाल दिया। तो मैंने जितने आलू मैश किए थे उससे लगभग लगभग 8 से 9 टिक्कियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अब एक बढ़िया सा मीठा वाला दही बना लेंगे जो टिक्की वाले ऊपर से डालते हैं। तो यहाँ पर दही को मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर से फेंट के निकाल लिया है जिससे कि ना ये बहुत बढ़िया सा स्मूथ सा दही हो जाता है। इसको मिक्सी में ना चलाइएगा वरना ये अजीब सा पनीला पनीला सा हो जाता है। साथ में पाउडर शुगर 2 चम्मच मैंने मिला ली है। ये देखिए कितना बढ़िया थिक स्मूथ सा दही बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं फ्रिज में रख देने वाली हूँ ताकि एकदम ठंडा ठंडा सा रहे। और जो टिक्की हमने पहले सेक ली थी ना, दूसरा बैच तो तलने में डला हुआ है, और ये जो पहले सेक ली थी इनको ना अब हम प्रेस करेंगे। तो कोई भी पोटैटो मैशर या फिर पाव भाजी मैशर जो भी आपके पास में है उससे इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद ना इसको रीफ्राई करेंगे। तब देखिए कितनी गजब की क्रिस्पी होती है। तब अभी यहाँ पर फिर से मैंने हाई फ्लेम रखी हुई है और हाई फ्लेम पे इन टिक्कियों को तेल में डाल देने वाली हूँ, और उसके बाद हाई फ्लेम पे ही इसको अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। बहुत गजब की क्रिस्पी होती है, आप देख पा रहे हैं, देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और बस दोनों तरफ से सेकने के बाद में इसको निकाल लेंगे। तब तक इस बीच में वहां पे जो टिक्कियां मैंने दूसरे बैच में तली थी उसको भी प्रेस करके मैं रीफ्राई करने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो ये काम भी हो गया, और तब तक यहाँ पे टिक्कियां तल चुकी हैं और बस इसको हम बाहर निकाल लेंगे। कितनी शानदार क्रिस्पी लग रही है, देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि बहुत क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हुई है। और बस फटाफट से प्लेटिंग करते हैं, शानदार सी टिक्की आलू टिक्की वाली चाट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 टिक्कियां प्लेट पे रखी हैं, इनको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। पहले तो आवाज सुनाती हूँ, देखिए आप आवाज से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत गर्म है गाइस, हाथ से छूते भी नहीं बन रहा है, पर तोड़ के तो दिखाना है, गर्मा गर्म ही दिखाना है। तो ये देखिए तोड़ा मैंने और अंदर कितनी शानदार चना दाल की फिलिंग है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया टिक्की बनकर तैयार होती है इस तरीके की चाट। तो सभी टिक्कियों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया है, अब ऊपर से फटाफट से सारी चटनियां डालेंगे। तो सबसे पहले ये इमली की चटनी, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, मैंने आपको कहा था कि रखी रखी काफी ठंडी होने के बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए चटनियां तो आप जितना पसंद करते हैं ना उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो पहले मैंने इमली की चटनी, फिर हरी चटनी, उसके बाद ये बढ़िया सा खट्टा मीठा दही, बहुत टेस्ट लगता है ये दही, साथ में कुछ कटे हुए प्याज
मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं, साथ ही साथ में हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया। हरी मिर्च अगर बच्चों को दे रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में फिर से मेरे को थोड़ा सा चटनी कम लगी तो मैंने इमली की चटनी और डाल दी है, क्योंकि आलू ना काफी एब्जॉर्ब करते हैं चटनी को, और अनारदाने, इससे ना बहुत अच्छा लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है। और एंड में मैंने चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल किया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी स्प्रिंकल कर दी है, और साथ ही साथ में भुजिया सेव तो जरूर से स्प्रिंकल कीजिएगा, जिससे कि बहुत टेस्टी लगती है चाट। और साथ में एंड में अदरक के जूलियंस मैंने कट किए थे लंबे लंबे, उनको मैंने डाल दिया है। तो ये हमारी बिल्कुल शानदार ठेले वाली चाट बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये चाट देख के कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मैंने तो ये प्लेट तैयार की, बहुत टेस्टी लगती, पर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मैंने पेपर प्लेट में इसको फिर से एक प्लेट लगाई, और इस पेपर प्लेट में तो खाने की फीलिंग ही अलग होती है, बहुत एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठेले पे खड़े होके खा रहे हैं। तो बस सारी चटनियां ऊपर से मैंने इसमें डाली, जो जो चीजें आप डालना चाहते हैं, चाहे तो अगर आपके पास में गोलगप्पे फुल्की वाला जो गोलगप्पा होता है सूखा वाला, उसको भी तोड़ के डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने दूसरी चाट की प्लेट भी तैयार कर ली है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा, पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।